इससे मिलो। ये है मेरे बचपन का फ्रेंड मुकुल और इसके फेस पे मास्क इसलिए लगा है क्योंकि इसके फेस देखकर सभी लोग उल्टी कर देते हैं। ओके ब्रो आई एम सॉरी। तो ये है मुकुल मेरे बचपन का फ्रेंड और हम आज 12 साल से साथ हैं। आज हमारे लिए बहुत ही प्राउड का दिन है बिकॉज मुकुल का आज है कॉन्वोकेशन डे और मुकुल उसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और अब मुकुल एक्साइटेड है तो उसके लिए हम भी एक्साइटेड है। बहुत बाप रे बाप। हाँ यार मुकुल शुभम का इलेक्ट्रिक ब्रदर है क्या? ये व्लॉग बन रहा है कॉन्वोकेशन व्लॉग। हाँ प्रतीक क्या कर रहा है? कौन है पान? नहीं यार। और ये है हमारा फ्लैट जहाँ पर हम कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुए हैं। जब मेरी स्कूल और कॉलेज लाइफ खत्म हुई तो ऑफकोर्स मेरे सारे दोस्त मुझसे अलग हो चुके थे तुम्हारी तरह, पर ऑफकोर्स मेरी किस्मत तुम्हारी जितनी भी खराब नहीं है। तो डेस्टिनी और कोइंसिडेंस का ब्लेंड कुछ ऐसा बना कि आज मेरे सारे दोस्त मेरे साथ रहते हैं। मेरे से जेलस हो ना तुम लोग। और ये हम तैयार हो चुके हैं मुकुल के कॉलेज यानी कि GL बजाज जाने के लिए और मुकुल ने मुझे स्पेशली बोला था कि भाई कुछ भी हो जाए तुम्हें स्पेशली फॉर्मल्स में आना है ना कि अपने रेगुलर जेंजी वाले ड्रेसेस में। और ये हम आ चुके हैं GL बजाज में और सच कहूं तो मैं आज अपने भाई के लिए बहुत ही प्राउड हूं बिकॉज जितनी छोटी जगह से और जिस पोजीशन से मेरे भाई ने उठ के आज इस MBA की ग्रेजुएशन की डिग्री को लिया है और आज एक बड़े से कंपनी में एक बड़े से प्रोफाइल में जॉब कर रहा है। It's such a proud moment for me and I'm happy कि मैं आज इसको सामने से witness कर रहा हूँ। अब की बार कांग्रेस की सरकार। ए सफेद कपड़ा ओ। अब फाइनली वो घड़ी आ चुकी थी जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था और हम जा रहे थे ऑडिटोरियम की ओर। क्या भाई कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा और आगे करते हैं चलो। हमारा ग्रुप का लो ना। कौन सा ग्रुप है तुम्हारा? हमारा ग्रुप जो है। अबे यार देवांशु तू आज बहुत अजीब लग रहा है यार। हमेशा से तू जेंजी वाला कपड़ा पहनता है, बहुत अजीब लग रहा है। वेल अगर तुम GL बजाज कॉलेज जाने के बारे में सोच रहे हो तुम देख सकते हो रैगिंग इज द क्रिमिनल ऑफेंस। रैगिंग से यहाँ पर तो बच जाओगे। और ये यहाँ के क्लासरूम्स कुछ ऐसे होते हैं। यहाँ का कॉरिडोर पे अविनाश बहुत ही गहरे विचार में वहाँ के अपने सीनियर्स लड़कियों को देखता हुआ। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, कॉन्वोकेशन का ड्रेस तो टोपी और ब्लैक होता है यार, इसे कॉलेज में हल्दी सेरेमनी क्यों चल रहा है? सभी लोग येलो ड्रेस में क्यों आए हैं? खैर कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा है। और अब हम जा रहे हैं ऑडिटोरियम की ओर। यहाँ ऑडिटोरियम में फिर से सब लोग बारात जैसा आ गए। ये सारे टीचर और प्रोफेसर जो कि सर पे पगड़ी और शोल्डर पे दुपट्टा बांध कर आए हैं। वेल आज कॉन्वोकेशन का थीम मुकुल के कॉलेज में इंडियन एथनिक वेयर पे डिसाइडेड था, दैट्स व्हाई आज टोपी नहीं उड़ाया जा रहा है, ब्लैक कोट नहीं पहना जा रहा है और प्रॉपर इंडियन अटायर पहना गया है। I, to the best of my knowledge, abilities and judgment, shall devote myself in fulfilling the expectation of my profession. कितनी अजीब बात है ना, बचपन से उन्हीं क्लासरूम और स्कूल्स में खेलते खेलते हम बड़े हुए और आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं। एक टाइम था जब हमारा सबसे बड़ा टेंशन ये हुआ करता था कि काश शाम को हमारी कोचिंग क्लास ना लग जाए, काश शाम को बारिश ना हो जाए ताकि शाम को जो फुटबॉल खेलने जाना है उस पर इफेक्ट ना पड़ जाए। और आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं जहाँ पे हम ये सोचते हैं कि भाई प्लीज वीकेंड पे काम ना करना पड़े। हर शाम कब हर सप्ताह में बदल गया और हर सप्ताह कब एक महीने या साल में बदल जाएगा हमें इस बात का पता भी नहीं है। खैर ये फिलोसफिकल बातों को छोड़ते हैं और टुडे आई जस्ट वांट टू से कि आई एम रियली प्राउड कि हम सब एक साथ ग्रो हुए और आज हम सब एक साथ बड़े हो रहे हैं। आई वांट टू टेल यू कि अगर तुम बहुत ही लगन से कुछ भी मेहनत करते हो तो ऑफ कोर्स तुम उसे हासिल कर सकते हो। मुकुल की स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता और ये स्टोरी मैं तुम्हें सुनाऊंगा आज नहीं पर कभी और। के साथ इस कंटिन्यूएशन ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मेरे चैनल को चेकआउट करो, इंजीनियरिंग स्टोरीज को देखो, इंजीनियरिंग लाइफ के बारे में जानो और फॉर मोर सच इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस सब्सक्राइब अनप्लग्ड इंजीनियर। डिग्री खो तो नहीं दिया? कहाँ है भाई डिग्री? कहाँ है? जा दोबारा पढ़ क्या क्या हो गया? हॉटस्पॉट चाहिए।